शिक्षा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नित्य ज्योतिषवाणी में। और हूँ आपके साथ मीनाक्षी चतुर्वेदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार है। तिथि रहेगी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शाम 7:17 तक। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेगा आद्रा नक्षत्र दोपहर 2:25 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक, जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और एकादशी का व्रत कल होगा, यानी कि 10 सितंबर 2023 रविवार को कल होगा अजा एकादशी व्रत। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको बताऊंगी अजा एकादशी व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और जन कल्याण के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स जरूर साझा कीजिएगा। साथ में राधे राधे या जय श्री कृष्णा का भी कमेंट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। आज आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आज आपको काफी परिश्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन सोचे हुए कार्य आपके पूरे भी हो जाएंगे। पैसों की बात करें तो आज आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। परिवार में सामंजस्य बनाना थोड़ा कठिन रहेगा। निजी संबंधों में पैसों को बीच में ना आने दें। जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद होने की संभावना है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बाहर के खाने पीने से बचे रहें और अपनी सेहत पे लापरवाही ना बरते। मन थोड़ा चिड़चिड़ाहट वाला बना रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी भी बरते। आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी मुश्किलें जल्दी से जल्दी खत्म हो और आप आगे बढ़े। आपका लकी नंबर 7 है और लकी कलर आपका केसरिया है। आज आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धियां हो सकती हैं। बिजनेस के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए दिन उत्तम है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। आज आप कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो फिर शांत मन से निर्णय लें तो फायदा रहेगा। परिवार में आज आप धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और जीवन साथी के साथ आज आपका दिन भी उत्तम निकलेगा। आज आपको सेहत की बात करें तो सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव की वजह से मन में थोड़े उतार चढ़ाव या नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आज आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 9 है और लकी कलर आपका क्रीम है। मिथुन राशि। आज आपको व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान और परिश्रम लगाना पड़ेगा। नौकरी में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। परिवार में दिन सामान्य निकलेगा और जीवन साथी के साथ भी दिन आपका निकलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो फिर सतर्क रहें और खाने पीने का ध्यान रखें। शनि मंदिर जाकर शनि के तिल का दान करेंगे तो आपका दिन और भी उत्तम निकलेगा। आपका लकी नंबर 5 है और लकी कलर आपका हरा है। कर्क राशि। जो लोग व्यापार में हैं, उनका व्यापार आज रफ्तार पकड़ेगा और गति तेज होगी। नौकरी में आज आपको कुछ नया करने की जरूरत है, तभी आपका काम धीरे लेकिन सटीक होगा। काम में आप मन लगेगा और अड़चने दूर होंगी। ऑफिसरों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। परिवार के साथ आपका दिन उत्तम निकलेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आज आपको शनि मंदिर जाकर निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 8 है और लकी कलर आपका सफेद है। व्यवसाय के लिए दिन उत्तम है। जो लोग कुछ नए बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी दिन उत्तम है। आज से वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगी और कुछ दिन से चले आ रहे कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई तनाव आपका दूर होगा और आपका मन प्रसन्न होगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय निकालेंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आज आपको सूर्य जल जरूर देना चाहिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 5 है और लकी कलर आपका लाल है। आज आप ऊर्जावान बने रहेंगे और अपने आत्मविश्वास से व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे।
नौकरी में आज आप कार्य को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे, साथ ही आज आपके कार्य की सराहना भी की जाएगी। परिवार के साथ आज आपका दिन अच्छा निकलेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आज आपके वैचारिक मतभेद थोड़े खत्म होने की संभावना है। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा, सामाजिक कामों में आप ज्यादा समय निकालेंगे। आज आपको गणेश जी पे हरी दूबा चढ़ानी चाहिए और निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराना चाहिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। लकी नंबर 6 है और लकी कलर आपका हरा है। तुला राशि, व्यापारियों के लिए दिन आज शुभ है। कार्य क्षेत्र में भी और नौकरी में आपको एकाग्रता बनाए रखनी होगी और आपको जल्दी से जल्दी अपना काम समाप्त करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो काम ज्यादा लटक जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। परिवार के साथ आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, दिन आपका कुल मिलाकर मिला जुला रहेगा। आज आपको निर्धन लोगों को धन किया दान देना चाहिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 6 है और लकी कलर आपका सफेद है। वृश्चिक राशि, आज आपको नौकरी में थोड़ी मानसिक चिंता बनी रहेगी और व्यवसाय में भी आपका दिन सामान्य निकलेगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर बनी रहेगी, क्योंकि आय की स्थिति कमजोर और खर्चे आपके ज्यादा बनेंगे। परिवार के साथ आज आपका दिन अच्छा निकलेगा, जीवन साथी के साथ भी दिन आपका ठीक ठाक निकलेगा, बस थोड़ी सी नोकझोंक होने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन उसका आप ध्यान रखें, कहीं बाहर खाने पीने से बचे रहें। आज आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ में शनि मंदिर में तेल का दान करना चाहिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 8 है और लकी कलर आपका लाल है। धनुराशि, आज आपका दिन कुल मिलाकर मिला जुला रहेगा, भाग्य आपका पूरा साथ देगा, कुछ इच्छाएं आपकी पूरी भी हो सकती हैं। नौकरी में दिन आपका उत्तम रहेगा, व्यवसाय में भाग्य आज आपके साथ रहेगा। माता पिता से सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलने में भी संभावना है, जिससे आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, बस किसी अजनबी पर आज आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कोई पैसों के लेन देन में सोच समझ कर लेन देन करें। आज आपको शनि मंदिर में जाकर तेल का दान करना चाहिए और किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 9 है और लकी कलर आपका पीला है। मकर राशि, आय के साधन मजबूत होंगे, व्यवसाय में आज आपको उन्नति मिलेगी। नौकरी में आपको प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों ही हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है, लेकिन जीवन साथी से आज आप राय मशवरा जरूर लें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए दिन ये उत्तम है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज आपको शनि मंदिर जाकर दीपदान करना चाहिए और साथ ही हनुमान जी की पूजा भी करिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 8 है और लकी कलर आपका आसमानी है। कुंभ राशि, आय के नए साधन बनेंगे, लेकिन आय जैसे जैसे बढ़ेगी खर्चे भी उतने ही बढ़ेंगे। आज आपको नौकरी में भी कोई नई नौकरी मिल सकती है, अगर आप किसी नौकरी की तलाश हैं, या फिर पुराने ही कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के साथ दिन उत्तम निकलेगा, जीवन साथी के साथ थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, लेकिन उसे बैठ कर सिरटा लेंगे तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, पेट की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है, खाने पीने का इसलिए उत्तम ध्यान रखें। आज आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 10 है और लकी कलर आपका नीला है। मीन राशि, व्यवसायिक योजनाओं में आज गति मिलेगी, व्यवसाय के लिए दिन उत्तम है। नौकरी में भी आज आपको विदेश जाने के योग बन रहे हैं, नौकरी में आप किसी विदेश यात्रा का भी लाभ उठा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम है, आय आपकी बढ़ेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, तो खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण करने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, परिवार में दिन आज उत्तम बना रहेगा। किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने से आज आपको मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। आज आपको मंदिर के बाहर
छोटी कन्याओं को कुछ उपहार देना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बेहतर निकले। आपका लकी नंबर 8 है और लकी कलर आपका पीला है। तो ये थे आज के राशिफल। इसी के साथ बने रहिए जज्बात 24 के साथ। मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी अब आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।